नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वरा भास्कर। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ कई एक्यूजेशन और इल्जाम आए हैं यौन उत्पीड़न के। और अभी तक महीनों गुजर गए हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस आदमी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है और 23 अप्रैल से वापस हमारे जो टॉप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर में। ये जो हुआ है ये हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है और ये हमारे समाज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है। और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शख्स यौन उत्पीड़न करे जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है, खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो है, तो उन्हें पूरी छूट है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हमने यही चीज उन्नाव में भी देखी और यही चीज दोबारा हो रही है इस केस में जो रेसलर्स हैं और पहलवान हैं उनके साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट हैं, इन्होंने प्राइज जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज जरूरी है, उनकी कहानी जरूरी है और हर पीड़ित का इल्जाम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का ये हशर है, अगर उनका ये हाल है, तो आप सोचिए कि एक आम लड़की, एक आम पीड़िता या एक आम इंसान, उनकी क्या हालत होगी, कैसे इस देश में कोई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका ये हाल है। और मैं ये भी कहूंगी कि ये सरकार जो राष्ट्रवाद का इतना ढोल पीटती है, इतना ढोंग करती है, इस सरकार के नेताओं को जब ये एथलीट्स अवार्ड्स जीत के आते हैं तब बड़ी खुशी खुशी ये उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इनसे मिलने में, इनसे बात करने में। लेकिन अब जब इतना संगीन जुर्म हुआ है, जब इतनी संगीन इल्जामात सामने आए हैं, तब कोई भी सत्ताधारी पार्टी का नेता, रूलिंग पार्टी का कोई नेता इनसे बात नहीं करना चाह रहा। अभी तक बृजभूषण ने न इस्तीफा दिया है, न उसे हटाया गया है और अभी भी उसको बचाया जा रहा है एक तरीके से और केस दर्ज नहीं हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है। मैं इन सारे पहलवानों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपने जो अपनी आवाज उठाई है वो बहुत बहादुरी का काम है और इसके लिए न सिर्फ आने वाली एथलीट्स की पीढ़ियां, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो आपको बहुत आदर सम्मान से याद करेंगे, वो शुक्रगुजार होंगे आपके कि आपने अपनी आवाज उठाई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी आप सबसे कि प्लीज इन हमारे जो एथलीट हैं इनका समर्थन करें। ये जो कॉज है ये सिर्फ इनका कॉज नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का कॉज है। तो अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी देशभक्ति है, थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, थोड़ी सी भी इंसाफ की भावना है, तो जरूर हमारे इन पहलवानों का जो विरोध कर रहे हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ, जरूर उनका समर्थन करिए। बहुत शुक्रिया।